विद्यार्थियों आपका फिर से तोदी कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों की जो YouTube पे जो क्लासें चलाई जा रही हैं वो मैटर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और जिस तरीके से आप लोगों के जो स्कूल वगैरह खोलने की जो चर्चाएं चल रही हैं उम्मीद है कि जल्द ही अगर स्कूलें वगैरह आप लोगों की ओपन होती हैं तो अपना जो कॉलेज का जो शेड्यूल है वो भी आप लोग मान के चलिए कि स्कूलों के 5-7-10 दिन में जो भी है अपना जो है आगे चांसेस बन सकते हैं कि अपने जो क्लास हैं वो सुचारू रूप से लगे। लेकिन अभी तक आप लोगों का जो है वो ये है कि आप लोगों को जो YouTube पे जो क्लास है आप लोगों को जो मिल रही हैं उनको आप लोग बारंबार देखें, उनका रिवीजन करें, चीज़ों को समझें, ठीक है। अब देखिए अपन सीधे टॉपिक की बात करते हैं, आप लोगों का टाइम जाया नहीं हो। सबसे अंतिम क्लास जो अपनी थी उसमें अपने यही था, यहाँ पे लिखा हुआ था तलीय सममिति, ये लिखा हुआ था आप लोगों का अक्षीय सममिति और यहाँ आप लोगों का लिखा हुआ था केंद्रीय सममिति, क्लियर है। अब देखिए इन चीजों को कैसे पढ़ना है। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने ये हेडिंग तो डाल ली, आपकी जो अंतिम क्लास थी उसमें आप लोगों ने ये चार्ट वगैरह सा जो चार्ट जैसा बनता वो बना लिया होगा। अब अगर अपन बात करें तो सबसे पहला अगर अपन अपने सिमेट्री एलिमेंट की बात करें तो वो कौन सा है आप लोगों का तलीय सममिति, क्या है आप लोगों का तलीय सममिति जिसे अपन बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या कहेंगे अपन लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्लियर है। आप लोग कोई भी सिमेट्री पढ़िएगा, आप लोग कोई भी सिमेट्री पढ़िएगा लेकिन उसमें एक चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि उसमें आप लोग जो भी प्लेन लगाते हो, जो भी उसमें एक्सेस लगाते हो या जो भी आप लोग उसमें सेंटर लगाते हो उसको हमेशा आपको क्या मानना है, काल्पनिक मानना है, क्या मानना है, इमेजिनरी मानना है। अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप लोग उसको प्लेन लगा दीजिए, किसी चीज में आप लोगों से ये कहे कि उसमें आप लोग प्लेन लगा दीजिए, तो वो प्लेन आपको रियल में नहीं लगाना है, वो आपको केवल सोचना है। आप लोग किसी घर में गए, आप लोगों को दिमाग में ये आया कि यार दोनों घर क्या बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो आपको बस ये अपने दिमाग में ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग रियल में प्लेन लगा दो और जो दोनों घरों में जो क्या था आपस में जो माधुर्य का जो भाव था उसमें आप लोगों ने क्या कर दिया, प्लेन लगा दिया, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। रियल लाइफ में भी और सॉलिड स्टेट को पढ़ो तब भी अपने को ऐसा नहीं करना है, क्लियर है। तो क्यों, ऐसी वजह क्या है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने अगर उसको वास्तविकता में अप्लाई कर दिया तो फिर आगे उसमें कोई सिमेट्री नहीं रहेगी। आगे अगर आप लोग उसको पढ़ोगे तो उसमें वो सिमेट्री तो आप लोगों ने आपने देखी, वो सिमेट्री आपको मिली लेकिन आप लोगों ने वास्तविकता में वो काम कर डाला ना, प्लेन मान लीजिए यहां भी आप लोगों ने प्लेन लगा दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट आप लोगों ने देखा, देखते आप लोगों ने उसको रियली में अप्लाई कर दिया तो उसके बाद में वो जो सिमेट्री है वो वहां से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। जो दो ग्रहों में आपको सिमेट्री देखने को मिल रही थी और आपने ये कह दिया यार आप तो ये करते हो वो करते हो इनसे थोड़ा बढ़िया करके बताओ, एक दो मकान और बनाओ, कुछ भी चेंज जरूर करो, उससे बढ़िया करो, ये करो वो करो, लेकिन यार आपके पास में तो इतना है तो प्रतिस्पर्धा नहीं करवानी है, जो उनमें सामंजस्य है उसी स्थिति को बरकरार रखना है ताकि आपके बाद में कोई और भी जाए। अगर आपको करवाना भी है ना उसमें तो आप उसको इक्वल करवाएं, आई बात समझ में, लेकिन अपने को ये बातें नहीं करनी, अपने को ये देखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपका उस ऑब्जेक्ट में आपकी जो भी सिमेट्री आप लोग अप्लाई करते हो वो हमेशा हमेशा और हमेशा कैसी होनी चाहिए, काल्पनिक होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इमेजिनरी होनी चाहिए। अगर ये शब्द आप लोग ऐड नहीं करते हो और एग्जामिनर आपका ये जानना चाहता है कि वास्तविकता में बच्चे ने सिमेट्री पढ़ी है नहीं पढ़ी है, आप लोगों ने काल्पनिक नाम नहीं लिखा तो वो वहां क्रॉस करके आप लोगों को जीरो नंबर भी वो आप लोगों को वहां पे दे सकता है, क्योंकि जीरो तो कोई नंबर होता ही नहीं है तो नंबर देने की कोई बात ही नहीं। इसलिए आप लोग काल्पनिक शब्द लिखोगे और मैं हर क्लास में आप लोगों का जो काल्पनिक शब्द होता है उसको बोलता भी हूँ कि बच्चे उस चीज को क्या कर ले, अंडरलाइन कर ले। टेस्ट में भी इसी चीज के नंबर काटे जाते हैं कि काल्पनिक शब्द आप लोगों ने लिखाया नहीं लिखा। इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताने से पहले ये एक शब्द है इसका क्या महत्व है ये मैंने बताया, क्यों, क्योंकि अगर वास्तविकता में आप लोग सिमेट्री को अप्लाई कर दोगे तो फिर वहां पे कोई आगे की जो सिमेट्री एलिमेंट है वो आप लोग डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, क्लियर। अब देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग तलीय सममिति, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लोग तलीय सममिति। आज की क्लास में अपना फोकस किस पे रहेगा, तलीय सममिति पे। नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए आप लोग
तलीय सममिति। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग तलीय सममिति। देखिए आप लोग, ऐसा काल्पनिक तल द इमेजिनरी प्लेन, ऐसा काल्पनिक तल, पहले मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को, ऐसा काल्पनिक तल जो किसी निकाय के केंद्र से गुजरता हुआ, जो किसी निकाय के केंद्र से गुजरता हुआ इसे ऐसे दो बराबर भागों में बांट दे। मैंने लिखा है आपको, ऐसा काल्पनिक तल जो किसी निकाय के केंद्र से गुजरता हुआ इसे ऐसे दो बराबर भागों में बांट दे जो एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब हो। बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब हो तो इसे तलीय सममिति कहा जाता है, दैट इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसे तलीय सममिति कहा जाता है। क्लियर है? परिभाषा आप लोगों ने लिख ली होगी। आगे इसमें एक छोटी सी लाइन लिख लीजिए, तलीय सममिति को सिग्मा से दर्शाया जाता है, ऐसे तलीय सममिति को सिग्मा से दर्शाया जाता है। तलीय सममिति को सिग्मा से दर्शाया जाता है। उतार लिया, लिख लिया होगा आप लोगों। आगे की लाइन में लिखिए, तलीय सममिति दो प्रकार की होती है। तलीय सममिति दो प्रकार की होती है। क्लियर है? तलीय सममिति दो प्रकार की होती है। अब आप लोग एक बार बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन बात करेंगे REACPA, रेक्टैंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, बोर्ड पे देखिए आप लोग। दूसरा जो आएगा वो आएगा आप लोगों का डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको अपन बोलेंगे आप लोग, इसका जो है अपनी बुक में इसका देखिएगा, इसको अपन बोलेंगे विकिरण तलीय सममिति, विकिरण तलीय सममिति। इसका आप लोग प्रॉपर जो शब्द है वो आप लोग जो है 12th क्लास से या फर्स्ट ईयर की बुक से आप लोग इसको देखिएगा। मैंने क्या बताया, एंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिक और डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रिक। क्लियर है? इसका आप लोग जो हिंदी जो रूप है उसका आप लोग जो है ठीक है आयतीय सममिति वगैरह ऐसा कुछ आएगा तो उसको आप लोग देख करके उसको कन्फर्म कीजिएगा। तो आप लोग पहले ये लिखे दो, ए और बी, विकिरण तलीय सममिति और रेक्टैंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों हेडिंग एक बार आप लोग डालिए। और उसके बाद में सबसे पहले हेडिंग डाल लेना आप लोग रेक्टैंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टैंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री।
क्लियर है। वीडियोस को यूज करके भी आप लोग लिख सकते हो। मैं ये चाहता हूं कि आपका जो समय है वो खराब नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा अपना जो टाइम है वो वैल्यूएबल टाइम हो, जिसका क्या हो, महत्व हो, ये लिख सकते हो आप लोग। इसमें आप लोग एक चीज लिखिए, इनकी संख्या अधिकतम 3 होती है, इनकी संख्या अधिकतम 3 होती है। और अगली लाइन में लिखिए, इन्हें निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। एक बार आप लोग ये लिखिए, इन्हें निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। क्लियर है, लिख सकते हो आप लोग ये सब चीजें। आज अपनी कोशिश ये रहेगी कि ये जो आप लोगों का प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसको अपन लोग क्लियर कर जाए। क्लियर है, मैंने आपको एक शब्द एक स्टेटमेंट लिखाया था, अगर आपको याद हो तो एक जगह मैंने बताया था कि टोटल अधिकतम 23 सिमेट्री एलिमेंट पाए जा सकते हैं। एक एक को अपन लोग उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, सबका योग करेंगे, आप लोगों के अंगुलियों पे 23 सिमेट्री एलिमेंट वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, सबसे पहले रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 बताइए मैंने आप लोग कौन कौन सी होती है, देखिएगा। अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए ये है और आपका ये है, क्यूब भी तो है और अधिकतम किस में मिलती है, क्यूब में मिलती है, तो क्यूब में मिलती है तो क्यूब में ही पढ़ेंगे। विषम लंबाक्ष में या ट्राइक्लाइनिक में कहां पढ़ सकते हैं, जहां एक होती ही नहीं है ट्राइक्लाइनिक में तो पढ़ कैसे सकते हैं, जहां होती नहीं है उसको कैसे पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जहां होती है। तो मैक्सिमम किसमें होती है, तो एक तो आप लोग इसमें ये प्लेन लगा दीजिए। अगर मैं आप लोगों से कहूं तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल सेम आएंगे, तो ये भी आप लोगों का एक प्लेन है। आगे अगर अपन लोग बात करें इस तरीके से, थोड़ा सा बेटर रिप्रेजेंटेशन आप लोग और कर सकते हो इसका। अगर इसमें मैं ये अप्लाई करता हूं, ठीक है, दिखाई दे रहा हूं इस तरीके से, तो ये चीजें भी क्या है, आप लोग इस तरीके से इसको 2 बराबर भागों में बाइसेक्ट कर लें, ऐसा प्लेन भी आप लोग लगा सकते हो। ये लगा दिया, ये लगा दिया, आप लोग ये भी लगा सकते हो, कौन सा प्लेन, ये 3 ही पॉसिबल है। चौथा आप लोग घर के एक्सरसाइज करते रहिएगा, मिले तो आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा। ये अपन लगा सकते हैं इस तरीके से, तो ये तीनों क्या कहलाते हैं आप लोगों के, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या कहलाएंगे आप लोगों के, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये और ये, इन्हें अपन क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बना लीजिए आप लोग इसको।
क्लियर है। ये अपन बात करें किसकी, प्लेन ऑफ सिमेट्री की, कितनी मिल गई आप लोगों को, तीन तो मैंने बता दी है। ठीक है, वीडियो को प्यूज कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आप लोग आराम से इनको बना सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन आगे चले। क्लियर है, अब दूसरी कौन सी है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, कौन सी है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। विकिरण तलीय सममिति, इसमें बोर्ड पे देखिए अभी कुछ नहीं लिखना है, इनकी संख्या अधिकतम छह होती है। आगे आप लोग इसमें नोट कर सकते हो, जिसे निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, जिसे निम्न प्रकार से, जिसे निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। डायगोनल का मतलब क्या होता है, प्लेन। ठीक है, ऐसा प्लेन जो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो बड़ी से बड़ी भुजा होती है वहां से लगाया जाए। तो देखिए ये बना आप लोगों का क्यूब, अब इसमें बड़ी से बड़ी भुजा कौन सी हो सकती है, ये यहां बड़ी से बड़ी भुजा ये, और अगर मैं इसको इस तरीके से इसको काटता हूं मैं यहां पे, ये तो ये दो टुकड़ों में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ये क्यूब हो ठीक है और इसमें इस तरीके का प्लेन लगाते हो तो ये जाएगा ही जाएगा, एक ये आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब मैं तो इसी में बता दूंगा लेकिन आपको क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको मैं एक अलग और बना देता हूं आप लोगों के लिए, तो इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं अपन लोग, ये देखिए है ना, कोशिश यही करें कि आपका जो है वो क्यूब ही बने, कहीं क्यूबॉइड अथवा आयत नहीं बन जाए, फिर क्या है थोड़ी दिक्कत आएगी। आगे अपन इसको यहां से यहां मिला सकते हैं, ये लीजिए यहां से यहां, और ये यहां से यहां, ये लग गया आपका, आगे बात समझ। तो अपना जो बोर्ड है वो कौन सा, अपना 2D है भाई, 3D नहीं, अपना बोर्ड क्या केवल 2D है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अपने को मिलता है, चलो इसी को अपन मान लेंगे, मान लीजिए आप लोगों का ये, एक मिनट आप लोग इसको देखता है, देखते रहिएगा बोर्ड पे, मैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आप लोगों के लिए देख के लाता हूँ जिससे आपको 6 के 6 आपको क्या हो जाए, दिख जाए। ठीक है, अभी आप लोग इनको बनाए, ठीक है, ये दो आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अब देखिए आप लोग इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपके पास में कोई क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, कोई ऐसा बिल्कुल जैसे चौक का डिब्बा है, या फिर कोई ऐसा कोई आपके पास में स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल क्यूब है, या आप लोग ये मान लीजिए कि आप लोगों का जो कमरा है उसको आप लोग क्या मान सकते हो, मान लीजिए क्यूब मान लीजिए, तो उसमें आप लोग एक तो ये प्लेन लगा सकते हो, एक उसमें आप लोग उसमें ये प्लेन लगा सकते हो। आगे बात समझ में, यानी कि एक तो ये लगा सकते हो,
दूसरा आप लोग ये लगा सकते हो, तीसरा अपन कौन सा लगा सकते हैं यही देखिएगा। अगर अपन बात करें दो तो मिल गए ना आप लोगों को, दो में तो मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि अपना जो बोर्ड है भाई वो 2D है। अगर अपन क्लास में यहाँ प्रेजेंट होते आप लोग तो देखिए अगला अपन कहाँ लगा सकते हैं कि ये जो है और ये जो है इनके बीच में अपन लगा सकते हैं इस तरीके से। ये भी आप लोगों का क्या है, इनका तो ये क्या है विकिरणी तो है भाई, पिछली जो फेस है बैक फेस और फ्रंट फेस का ये क्या है विकिरण है, तो अपन ये भी लगा सकते हैं। तो एक आपको ये चीज भी मिल सकती है। अगली जैसे मैं आप लोगों से बात करूं तो देखिएगा यहां मैं आप लोगों से बात करता हूं, ये देखिए ये, और अब इस बार जो है वो आप लोग 2D की वजह से थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो एक आप लोगों को ये भी मिल सकता है। तो आप लोगों ने यहां से भी मिला दिया, यहां से भी मिला दिया, ऐसे भी मिला दिया और ऐसे भी, तो एक जो है आप लोग ऐसे भी मिला सकते हो कैसे, यहां देखिएगा फिर वही है, जितने बन सकते हैं अपने तो 6 ही तो है। देखिए पांचवे में तो अपन आ रहे हैं, देखिए पांचवा बनता है कि नहीं बनता, अपन करते हैं प्रैक्टिस। ये देखिए यहां से आप लोग यहां और यहां से यहां, इनको आप लोग मिला दीजिए इस तरीके से भाई, ये वाला फेस का विकिरण और ये आप लोग इस तरीके से लगा दीजिए, आगे वाला आप लोग इस तरीके से, वो नहीं बनेगा। पांच तो आपके पॉसिबल है, छठा आप लोग इसका इमेजिनेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों के टोटल 6 के 6 ये मिल जाएंगे। आपका काम ये रहेगा कि आपके पास में 3 प्रकार के पेन है तो ब्लू से सबसे पहले ये बनाए, फिर ब्लैक से ये बना लीजिए और एक में रेड से, यानी कि आप लोग एक में कितने सिमेट्री रिप्रेजेंट करोगे, एक में आप लोग 2 सिमेट्री को क्या करोगे रिप्रेजेंट करोगे, तो टोटल 3 ही तो डायग्राम बनेंगे भाई, 2 के ये बन जाएंगे तो ये 2 एक में आ जाएंगे, ये वाला और जो है आप लोगों ने बनाया इसके साथ में वो आप लोगों का एक में आ जाएगा, ठीक है। और एक जो है भाई पांचवा तो छठवा तो पॉसिबल ही नहीं अपनी कॉपी में या बोर्ड पे बना पाना, तो अगर आप लोग इस तरीके से बनाते करते हो तो आप लोगों का जो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो कितने मिलेंगे आप लोगों की, टोटल 6। तो इन सबको बनाने के बाद में नीचे अपन लोग क्या ले सकते हैं, डायगोनल प्लेन ऑफ क्लियर है। देखिए कितना आसान टॉपिक है, आराम से चीजों को अपन लोग समझ पा रहे हैं। तो आज अगर अपन बात करें तो आज की क्लास में अपन लोगों ने कौन सी सिमेट्री को कंप्लीट किया है, प्लेन ऑफ सिमेट्री को, कौन सी सिमेट्री को प्लेन ऑफ सिमेट्री, और कितनी मिली है टोटल 6 मिली है, उसमें से 3 कौन सी है रेक्टेंगुलर, 6 कौन सी है डायगोनल, तो 6 और 3 कितने हो गए अपने 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब अगली कौन सी रहेगी आप लोगों का एक्सेस ऑफ सिमेट्री, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जिसकी बात अपन करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में। आप लोग इन चीजों का क्या करें, बार बार रिवीजन करें और कोई भी क्लास जो है उसको आप लोग बीच में छोड़े नहीं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं और इन सबको अगर अपन लोग कवर करते हैं तो एक समय अपने पास में तकरीबन 40 से 50 वीडियो जैसे हो जाते हैं, सब अपने पढ़े हुए रहते हैं। लेकिन अपन ये चाहेंगे अपन पहले 6-7-10 वीडियो आ जाए उसके बाद में अपन बात करेंगे, तो फिर पढ़ना थोड़ा सा क्या होता है टिपिकल होता है। तो अगर आप लोग शुरू से जुड़े हुए हैं तो मेरी ये सलाह है कि आप लोग इन चीजों को क्या करें, रेगुलर करें। धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।